assalamu alaikum dear students hope you will be all right i'm your english teacher and today i'm going to recapitulate the chapter 20 the big wheel actually this is a poem it's a very short poem only five questions are here question one क्वेश्चन नंबर वन हाउ मच इज द फेयर फॉर बिग व्हील एक झूले पे चढ़ने के लिए जो बड़ा सा झूला पहिया होता है उस चढ़ने के लिए कितने फेयर हेयर किराया कितने पैसे लगते हैं उस पे चढ़ने के लिए आंसर इज सिक्स पेंस इज द फेयर फॉर बिग व्हील छह पैसे फॉर पेंस हेयर हेयरमीस पैनी का पिलुरल है पेंस तो इतने पैसे लगते हैं बिग व्हील पे चढ़ने के लिए एक झूला झूलने के लिए सिक्स पेंस लगते थे ओके क्वेश्चन नंबर ये अकॉर्डिंग टू द पॉइंट है क्वेश्चन नंबर टू व्हेन द व्हेन द व्हील स्टॉप्स व्हाट टू द सीट्स जब पहिया रुक जाता था तो जो सीट्स उस पर बनी हुई होती उनके साथ क्या होता है द सीट स्विंग्स फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड जब ये जू ये जो पहिया होता था जो बड़ा झूला होता है ये रुक जाता था तो जो सीट्स की थी वो आगे और पीछे जा रही थी ओके क्वेश्चन नंबर थ्री वाई डज द पॉइंट वॉन्ट टू जम्प क्विकली जो पॉइंट है इस पोइम का जिसने ये पोइम लिखी है वो क्यों जल्दी से छलांग मारने की कोशिश कर रहा था वो क्यों जल्दी से छलांग मारना चाहता था द पॉइंट वॉन्ट टू जंप क्विकली बिफोर द व्हील गोज़ अब वो इसीलिए जल्दी से जंप मारना चाहता था क्योंकि वो चाहता था कि uh, इस जो व्हील है इसे निकलने से पहले ही दूसरे राउंड निकलने से पहले ही कि वो उस पर चढ़ना चाहता था ओके वन वन डू द पॉइंट लुक बिग वन डू द पीपल लुक बिग एंड वन स्मॉल लोग कब छोटे और कब बड़े दिखते थे पीपल लुक बिग ऑन ग्राउंड एंड दे लुक बिग एंड द एयर जब झूला ऊपर जाता था तो नीचे वाले ज़मीन पे लोग थे वो छोटे दिखते थे और जब जो झूला है नीचे आ रहा था तो अब हमें लोग बड़े दिख रहे थे ओके क्वेश्चन फाइव वन इन द एयर वट कैन यू सी जब हम ऊपर हवा में जाते हैं इस झूले पर तो हमें क्या दिखाई देता है इन द एयर वी कैन सी ऑल अराउंड जब हम ऊपर जाते तो हमें पूरे जितना भी हमारा एरिया इर्द गिर्द होता है हम वो सारा हमें लिखता हैं ओके दिस वॉज ऑल अबाउट चैप्टर ट्वेंटी आई वेल कम विद द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर टिल दैट वी कैप्चुलेट आई मेमोराइज दिस चैप्टर स्टे हेल्दी स्टे बल एस फी अमानिला